Everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am your host Jolly Yadav. दोस्तों word extension की अगर बात करें तो word extension affordable properties के लिए जाना जाता है. यहाँ पर आपकी middle class segment के लिए काफी सारी properties present है. बट अगर हम recent times में देखें तो यहाँ पर भी property के prices काफी तेजी से बढ़े हैं एंड आज के time पर यहाँ के प्रॉपर्टीज के प्राइस भी काफी ज्यादा हाइक पर हो चुके हैं. और अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें जो कि एक 60-70 लाख के बजट में एक घर प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही कम ऑप्शन बचे हैं. सो दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड एक बजट फ्रेंडली घर अपने लिए नोएडा एक्सटेंशन में ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आके रुके हैं क्योंकि आज मैं आपके लिए जिस प्रॉपर्टी पर लेकर आई हूँ आपको वो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में यहाँ पर आपको एक 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट मिल रहा है. प्रॉपर्टी के प्राइसेस मैं आपको एंड में बताऊंगी, अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ. तो इस प्रोजेक्ट का नाम है एक्वा गार्डन एंड इसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन. तो अभी मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई हूँ. प्रोजेक्ट फिलहाल आपका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है. इनफैक्ट मैं अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज भी नहीं बोलूंगी क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 में डिलीवर हो जाएगा. तो सुपर स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका है, अभी सिर्फ यहाँ पर फिनिशिंग का काम चल रहा है. कनेक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ से आपका एक मूर्ति सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पर है. वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको एक मूर्ति मिल जाता है यहाँ पर. उसके अलावा अगर हम FNG से अगर इसकी कनेक्टिविटी देखें तो सिर्फ FNG 5 मिनट की दूरी पर है. सेम आपका NS24 अराउंड 6 से 7 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको मिल जाता है. सेंट्रल नोएडा भी आपको अराउंड 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको उससे कनेक्टिविटी मिल जाती है. दिल्ली भी आपका अराउंड 20 से 25 मिनट की दूरी पर यहाँ से रहेगा. सो ओवरऑल जो NCR के मेजर रीजंस हैं उन सभी से इस एरिया की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है. प्लस आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो ये आपका 24 मीटर सेक्टर रोड पर सिचुएटेड रहेगा एंड आसपास आप देखिए तो काफी वेल डेवलप्ड आपका एरिया है. काफी सारी यहाँ पर सोसाइटीज है एंड ज्यादातर सोसाइटीज में यहाँ पर लोग रह रहे हैं. दैट मीन्स आपको यहाँ पर जो चीजें मिलने वाली हैं, बेसिक फैसिलिटीज, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है वो काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है. वेल डेवलप्ड एरिया है आपका ये. स्कूल्स की हम बात कर लें तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर, मुश्किल से यहाँ पर से 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको 4 से 5 स्कूल मिल जाते हैं जैसे कि DLS, SKS वर्ल्ड स्कूल एंड उसके साथ में उसी के बिल्कुल एडजॉइनिंग 2 से 3 स्कूल और भी है. अगर मैं मॉल्स की बात करूं तो गौर सिटी मॉल, गैलेक्सी, ब्लू सफायर एंड 5 से 6 मॉल्स आपको एक ही बेल्ट पे मिल जाते हैं. मुश्किल से अराउंड यहाँ पे सेम डिस्टेंस 4 से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगी ये सारी चीजें भी. यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यूनिवर्सिटीज सारी आपकी ग्रेटर नोएडा में प्रेजेंट है एंड ग्रेटर नोएडा यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ का जो मेजर हॉस्पिटल है वो यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. तो दोस्तों मैं आपको मेजर लोकेशंस, मेजर हॉटस्पॉट्स इस लोकेशन की बता चुकी हूँ. तो इस ये सब बताने के पीछे मेरा बस यही मकसद था कि आपको बता सकूं कि जो मेजर चीजें हैं जो कि एक आप जब कहीं पर भी एक घर लेते हो तो इन चीजों के बारे में सबसे पहले सोचते हो कि स्कूल कितने दूर है, अगर बच्चा बड़ा है तो कॉलेज कितने दूर है और हॉस्पिटल बहुत जरूरी होता है कि हॉस्पिटल भी आपके नजदीक ही हो. तो सारी चीजें आपको यहाँ से नजदीक मिल जाती हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा एक अफोर्डेबल रेट की प्रॉपर्टी पर. प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है ये. तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. इंट्रो में आपको दे चुकी हूँ, उस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ. अब मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाती हूँ. सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाऊंगी, उसके बाद हम यहाँ के अपार्टमेंट का टूर करेंगे एंड एंड में मैं आपके लिए प्राइस रिवील करूंगी. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अब चलिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं. Guys, this is the model of the project Aqua Garden. Project जब बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा. प्रोजेक्ट में आपको मेन डिटेल्स शेयर कर देती हूँ. तो ये प्रोजेक्ट आपका 24 मीटर वाइड रोड पर सिचुएटेड रहेगा. यहाँ से आपकी प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस रहेगी. एंट्रेंस में सबसे पहले आपको यहाँ पर कमर्शियल एरिया मिल जाता है. कमर्शियल एरिया में आपकी 10 से 15 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी जिनमें की डेली नीड्स का सामान मिलेगा. पूरा प्रोजेक्ट आपका 5 एकड़ के लैंड पैच में बना हुआ है एंड यहाँ पर आपके 5 रेसिडेंशियल टावर्स रहेंगे जिनकी हाइट रहेगी ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर्स की. यहाँ पर आपके लिए 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स हैं. 2 BHK का साइज रहेगा 1050 स्क्वायर फीट.
एंड 3 BHK रहेगा आपका 1100 स्क्वायर फीट। उसके अलावा प्रोजेक्ट में पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं। पेंट हाउसेस रहेंगे आपके 23 एंड 24 फ्लोर्स पर एंड पेंट हाउस का साइज रहेगा 1755 स्क्वायर फीट। उसके अलावा प्रोजेक्ट आपका माईवान फ्रेमवर्क के साथ बन रहा है एंड इसका पोजेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स सेप्टेम्बर 2024 में। प्रोजेक्ट में अमेनिटीज की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की थीम रहेगी एक्वा एंड यहाँ पर आपको 3 लेवल वाटर बॉडीज मिल जाती हैं। सबसे पहले रहेगा आपका अडल्ट स्विमिंग पूल, उसके बाद एक रहेगा आपका किड स्विमिंग पूल, उसके अलावा यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी मिल रही है। सो वो रहेगी आपकी आर्टिफिशियल लेक। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस भी प्रेजेंट है। क्लब हाउस का साइज रहेगा 20,000 स्क्वायर फीट। इसके अंदर आपके सारे इंडोर गेम्स प्रेजेंट रहेंगे, बैंकेट हॉल आपका रहेगा। इसके अलावा आपके रेस्टोरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे एंड यहाँ पर 14-सीटर मिनी थिएटर भी प्रेजेंट है। एंड उसके अलावा हम बाहर के एरियाज की भी बात करें तो प्रॉपर आपके आउटडोर स्पोर्ट्स एरियाज के लिए भी यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस हैं। अराउंड यहाँ पर आपको 2.75 एकर्स में ग्रीन एरिया कम ओपन एरिया मिल जाता है। सो गाइस दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्वा गार्डन। अब मैं आपको यहाँ का एक सैम्पल अपार्टमेंट दिखाऊंगी जिसका साइज रहेगा 1500 स्क्वायर फीट। एंड गाइस मैं अभी अपार्टमेंट के लॉबी एरिया में आ चुकी हूँ। एक फ्लोर पर आपके इन टोटल 8 अपार्टमेंट्स रहेंगे जिन्हें एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन रहेगा एंड 2 स्टेयर्स रहेंगी। एंड अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सैम्पल अपार्टमेंट जिसका साइज रहेगा 1500 स्क्वायर फीट। इट इज अ 3 BHK सैम्पल अपार्टमेंट। तो हमारा सैम्पल अपार्टमेंट रहेगा इस तरफ। तो चलिए मैं आपको सैम्पल अपार्टमेंट के अंदर लेके चलती हूँ। एंड गाइस मैं सैम्पल अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हूँ। ये रहेगा आपका मेन एंट्रेंस डोर एंड जैसे ही आप एंटर होगे तो यहाँ पर आपको एक फॉयर स्पेस मिल जाएगा। सो फॉयर एरिया के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये रहेगा आपका लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिसेंट एंड काफी ज्यादा स्पेशियस है। साइज मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ये आपका 1500 स्क्वायर फीट का एक 3 BHK सैंपल अपार्टमेंट है। सो गाइस लाइक आई वाज टेलिंग यू कि ये रहेगा आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आपको बालकनी भी मिल जाती है तो ये आपकी प्राइवेट बालकनी रहेगी। फ्लोरिंग की हम बात करें तो आपकी सेम एज इट इज फ्लोरिंग रहेगी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम एज इट इज आपकी फ्लोरिंग रहेगी थ्रू आउट द अपार्टमेंट। सो दैट वॉज द लिविंग एरिया। इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट रहेगा आपका डाइनिंग एरिया। सो ये पूरा स्पेस रहेगा डाइनिंग एरिया का। 6 सीटर आपकी यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई हुई है। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही एडजस्टेंट रहेगी हमारी किचन। तो किचन आप देखिए, किचन एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ही अच्छा साइज में आपको यहाँ पर किचन एरिया मिल जाता है। मैं अगर सबसे पहले इस एरिया से बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए तो रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्विचेस बनाए हुए हैं। ग्रेनाइट का आपको यहाँ पर स्लैब मिल जाता है एंड पीछे भी हम देखें तो यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी बालकनी भी मिल रही है। सो ये भी काफी ज्यादा डिसेंट साइज में है। सो गाइस ये भी आपकी किचन एंड डाइनिंग एरिया है। इसके बिल्कुल ही साथ आपको यहाँ पर एक पैसेज मिल जाता है, वहां पर आपके बेडरूम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रहेगा आपका बेडरूम नंबर 1। आपकी बालकनी भी है, एक यहाँ पर आपको प्राइवेट बालकनी मिल जाती है। इसी बेडरूम के बिल्कुल ही नेक्स्ट रहेगा हमारा बेडरूम नंबर 2। एंड यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मैसिव आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है एंड ये आपकी रनिंग बालकनी है जो कि फर्दर आपकी बेडरूम नंबर 3 के साथ भी कनेक्टेड है। एंड गाइस विद दैट अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में जो कि रहेगा इसके एडजॉइनिंग। एंड गाइस थर्ड बेडरूम के बाहर रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। सो हियर इज द कॉमन वॉशरूम जिसे कि आप थर्ड बेडरूम एंड इस अपार्टमेंट के बाकी एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। आप इसका भी साइज देख सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेशियस साइज है। यहाँ पर आपका रहेगा वैनिटी एरिया एंड ये रहेगा आपका गीजर का प्रोविजन प्लस सारी सैनिटरी फिटिंग्स आपकी इंक्लूडेड रहेंगी। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस प्रोजेक्ट एक्वा गार्डन जिसकी लोकेशन थी सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
अब मैं आपको आपके लिए इस प्रोजेक्ट को समराइज कर देती हूँ। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एंड अपने खुद के यूज के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में एक अफोर्डेबल घर ढूंढ रहे हैं देन ये प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसके प्राइस को देखें तो बहुत ही ज्यादा कमाल की, बहुत ही अच्छी डील आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको 2 BHK सिर्फ और सिर्फ 60.90 लाख में मिल रहा है। वहीं अगर मैं आसपास के और प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो यहाँ के रेट्स काफी ज्यादा जेन्युइन हैं एंड बहुत ही ज्यादा डिसेंट हैं। किसी भी और प्रोजेक्ट में आपको इतने जेन्युइन रेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसलिए प्राइस वाइज एंड लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये माइवान शटरिंग के साथ बन रहा है, यानी कि सीलन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके जो घर है उनकी लॉन्गविटी, उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबा होगा। एंड एक और चीज है, ये थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छी थीम पे बना हुआ है, एक्वा इसकी थीम है, तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का लुक बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर रहने का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है एंड आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। सो गाइज, अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर यहाँ के अपार्टमेंट को बुक करना चाहते हैं तो जल्दी से हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। I'm not the one who's running out of time.